हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का स्वागत है। हमारे पास आता है दिस साइट कुड नॉट प्रोवाइड इन सिक्योर कनेक्शन। जो भी आप लोग ब्राउजर में सर्च करते हैं और आपके सामने आता है ट्राई रनिंग विंडो नेटवर्क डायग्नोस्टिक। अब ये प्रॉब्लम हम लोग के पास बहुत सारे आते हैं और हम लोग इसको सोल्व नहीं कर पाते हैं और हम लोग थक जाते हैं जी। तो आज की इस वीडियो में मैं गाइज आप लोग को बताने वाला हूँ वन क्लिक के अंदर इसको आप लोग सोल्व कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम कहाँ से होता है आई होप आपको पता नहीं है, तो इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो ये ट्राई रनिंग विंडो नेटवर्क डायग्नोस्टिक का ऑप्शन आ रहा है, इसको आप लोग वन क्लिक के अंदर सोल्व कर सकते हैं। देखिए, इसके लिए गाइज मैं यहाँ पे जो बता रहा हूँ तरीका, इसको आप लोग बस फॉलो करिए। अब आपको एक ब्राउज़र में आना है, जो क्रोम ब्राउज़र है उसको आप लोग को ओपन करना है अपने पीसी में या लैपटॉप में, और राइट कॉर्नर में आपको आ जाना है। और यहाँ पे आने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखता है थ्री डॉट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इस पर हम लोग जैसे क्लिक करते हैं, हम लोग के सामने इस तरह का ये ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, तो हम लोगों को बहुत सारे इस तरह का ऑप्शन आता है, लेकिन नीचे हम लोग जाते हैं तो एक सेटिंग का ऑप्शन ये मिलता है। इस पर हम लोग क्लिक कर देते हैं। अगेन क्लिक करने के बाद हम लोग के सामने ये पॉपअप इस तरह का ओपन होता है, और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। जी, यहाँ पे प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, यहाँ पे आप लोग ये देखिए, इस पर क्लिक करना है आपको। अब क्लिक हम लोग जैसे करते हैं, यहाँ पे अब ये कुछ ऑप्शन इस तरह से टैब ओपन होकर आता है, जहाँ पे आपको बहुत कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा। राइट, यहाँ पे नीचे एक आएंगे सिक्योरिटी सेफ ब्राउजर प्रोटेक्शन फ्रॉम, ठीक है, डेंजरस साइड एंड अदर सिक्योरिटी। अगर आपका ये सिक्योरिटी ऑन होता है, तो अगर आपका कोई भी ऐसा ब्राउजर है जहाँ पे आप लोग काम कर रहे हैं और वहाँ पे डेंजर है, तो उसको क्या करेगा, इस तरह का डायग्नोस्टिक जो है वो ऑप्शन करके आ जाएगा ट्राई अगेन करके, कि मतलब इसमें आप लोग काम नहीं कर सकते, ये नहीं चलेगा, कुछ जो है कि ये डेंजरस है आपके लिए, मतलब ख़तरनाक हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पे चेतावनी या वार्निंग देता है, तो ये आपको सेपरेट करके रखता है जी। इसको आप लोग ऑन करिए, इस पर क्लिक कर देना आपको एक बार। अब क्लिक करने के बाद आपके सामने ये ऑप्शन आती है, जहाँ पे बहुत कुछ अलग अलग देखने को मिलता है जी। मैं थोड़ा सा यहाँ पे करता हूँ अनजूम। अब देखिए, यहाँ पे स्टैंडर्ड प्रोटेक्शन का मतलब ये होता है कि एकदम एडवांस जो स्टैंडर्ड प्रोटेक्शन होते हैं उसको पकड़ लेता है। जैसे कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ों को पकड़ लेगा, पहले से तो स्टैंडर्ड प्रोटेक्शन अगेनिस्ट वेबसाइट और डाउनलोड एंड एक्सटेंशन जो भी चीज़ें रहेंगी, अगर उस तरह का आपको लगता है कि हाँ कोई डेंजरस चीज़ें हैं, तो फटाक से इसको पकड़ता है और वहाँ से इग्नोर कर देता है कि हाँ ये इसमें आप लोग काम नहीं कर सकते। अगेन पीसी में जो भी प्रॉब्लम होने वाली है वो आपको यहाँ पे बताता है। लेकिन अगर बार बार इस तरह का आ रहा है कि नो प्रोटेक्शन जी, जो यहाँ पे नो प्रोटेक्शन नॉट रिकमेंडेड है, इस पर आपको क्लिक करना है। इसको प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है जी, मैं यहाँ पे थोड़ा से अनजूम करता हूँ। यहाँ पे आ रहा है कि मतलब क्या आप लोग टर्न ऑफ सेफ ब्राउजरिंग करना चाहते हैं, मतलब अपने ब्राउजर को क्या कि ऑफ करना चाहते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो इसके लिए ऑन करेंगे जी, यहाँ पे ऑफ कर देंगे जी। ऑफ करने के बाद नीचे हम लोग जाएंगे, फिर यहाँ पे DNS इसको भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे एक कस्टमाइजेशन, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हम लोग को यहाँ पे आता है गूगल पब्लिश DNS, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे जी। क्लिक करने के बाद अब यहाँ से हम लोग जाएंगे डायरेक्ट अपने ब्राउजर में और वहाँ पे वर्क करके देखेंगे कि क्या हम लोग का प्रोटेक्शन जो है कंप्लीट सही हुआ है कि नहीं हुआ है। अगेन हम लोग चलते हैं। अब उसके बाद हम लोग आएंगे यहाँ पे, हम लोग जहाँ पे जो इस्तेमाल कर रहे थे उसको हम लोग सर्च करके एक बार देखेंगे। तो गाइज उसके बाद यहाँ पे सर्च करने के बाद हम लोग के पास क्या प्रॉब्लम आता है उसको हम लोग चेकआउट कर लेते हैं। अभी ये देख सकते हैं प्रॉब्लम आ ही रहा है, लेकिन ये तुरंत ठीक होगा कैसे होगा, यहाँ पे आप लोग को एक बार ब्राउजर से बाहर जाना है, इसको एक बार इग्नोर करना है। अब अपने इंटरनेट को एक बार क्या करना है कि यहाँ पे जाइए, यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा एक बार हाईलाइट करके आपको दिखाता हूँ। ये जो आपको नीचे ब्राउजर यहाँ पे जो दिखता है नेट का वाईफाई का, इस पर क्लिक करिए और यहाँ पे एक बार फ्लाइट कर दीजिए, फिर अनफ्लाइट करिए, उसके बाद यहाँ से बैक आइए। अब बैक आने के बाद अब क्या करना है, यहाँ पे फ़ॉन्ट को ऐड करना है जो भी है। यहाँ पे मैं क्लिक करके सर्च करता हूँ या देखता हूँ कि फिर वो प्रॉब्लम आता है कि सही नहीं होता। अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाना चाहते हैं तो तुरंत आप लोग सब्सक्राइब करिए, जो रेड में सब्सक्राइब बटन दिखेगा उस पर क्लिक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।